उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ब्लॉग आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करें। व्यूअर्स इस तरह है कि मेरे कुछ दोस्त अभी रिसेंटली एक ओलंपिक गेम्स से नेशनल लेवल के गेम्स से माजिद साहब आपको उसकी डिटेल बताएगा। नेशनल चैंपियनशिप था अटक में, तो ये सारे 8 दिन कैद में रहे थे, तो आज ये आजादी को एंजॉय करना चाह रहे थे। तो आजादी को एंजॉय करने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक जबरदस्त टेस्टी किस्म का चिकन बनाया था और अब ये बलून का हलवा बन रहा है और उसके साथ ये चाय भी बन रही है। तो आए हम भी इसका वेट करते हैं और आप भी इंतजार फरमाएं कि क्या क्या होता है। अच्छा, ये अब ये बनू का जो ट्रेडिशनल हलवा है ये पक रहा है, फाइनल स्टेजेस में है और इसके लिए मैं तकरीबन घर से आधा एक घंटा लेट हो रहा हूँ। माजिद कह रहे हैं कि इसमें 25 ग्राम में 3 किलो दूध, 3 किलो दूध है। रेसिपी नहीं बताना है। अच्छा, रेसिपी नहीं बताना, लेकिन फिर भी चले, आधा किलो देसी घी है, 3 किलो दूध है और 225 ग्राम सूजी है। पता नहीं सूजी में उर्दू में क्या कहते हैं, वो हमें नहीं आता। हाँ, और ड्राई फ्रूट है, बादाम पिस्ते हैं, ये देखे थोड़े थोड़े आपको पिस्से नजर आ भी रहे हैं। और ये मेरा दोस्त जो है कैसर खान साहब, ये भी मैं समझता था कि मैं घर वालों को धोखे देता हूँ, लेकिन मुझसे बड़े बड़े धोखेबाज हैं। इसने अपने अबू से चुप के ये यहाँ पे हलवा बना रहे और अबू को ये कह रहा था कि मेरा दोस्त बीमार है। तो माजिद को उन्होंने कहा कि माजिद बीमार है और मैं माजिद के साथ हूँ, हालांकि ये यहाँ पे हलवा बना रहे हैं। और ये देखे ये चाय भी पक रही है, चाय 2 केजी जो है गैस चला गया। ओ माय गॉड, 2 किलो गैस, सॉरी 2 किलो दूध में चाय पक रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैस चला गया है। अब हम वेट करते हैं गैस तक और हल्का आस्ता। अच्छा व्यूवर्स, तो फाइनल स्टेजेस में, लेकिन बदकिस्मती से गैस चला गया है। कंप्रेसर हमने लगाया हुआ था जो कि नहीं लगाना चाहिए, बट क्या करें, मजबूरी है। हाँ, तो अब गैस जो है ना आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस टाइम बहुत हल्का गैस है और हल्की गैस पे चाय तो वैसे के वैसे ही रह गई, हमने पत्ती भी डाली हुई थी बट चाय भी बीच में ही रह गई। अब एक चीज़ ही रेडी होगी, चाय या हलवा, तो हमारी कोशिश है कि हलवा रेडी करें, हमारी प्रायोरिटी हलवा है। हाँ, क्योंकि हलवे पे हमने बहुत टाइम लगाया है और बड़ी पैसे भी लगाए, बड़ी मेहनत से जो है ना ये तैयार हो रहा है। ये 3 किलो दूध जो है ना उसका लास्ट है। हाँ, उसका मिलाप है, तैयार हो रहा है। 3 किलो दूध का जो है ना क्या करें, ये हमारे पास जुनेद इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है और साथ में दूसरा भाई क्या नाम है यार, नाम अमजदुर रहमान है, ये भी हॉकी का प्लेयर है, ठीक है। और साथ में जो है ये भी हॉकी का प्लेयर है, ये समी इंटरनेशनल प्लेयर है एथलेटिक्स का, और ये डॉक्टर सलमान है आप लोगों को पता है, और ये साथ में जायद है, ये भी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है, और साथ में ये भाई है, इसका नाम क्या है, मोहम्मद सुलेमान, जो ये भी हॉकी का प्लेयर है बड़ा अच्छा। इस हलवे में हलवे की ये क्वालिटी है कि आपको कब पता चलेगा कि ये पक गए हैं, जब ये घी इस वापस निकल आए तो समझ जाए कि ये अब पक गए हैं या पकने के बिल्कुल करीब हो गए हैं। आप क्या कहेंगे कि ये अब इसकी क्या सिचुएशन है, ये क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, ये कह रहे हैं माजिद साहब जी, क्या ये यहाँ पे जो ये बंदे, मेरा भाई कह रहे हैं कि मुझे उर्दू इसका ये घी है ना, इसमें अंडे पकते हैं।
इसकी घी में, हाँ ये देसी घी है, तो अब इसमें इससे निकालेंगे। हाँ ये मीठा है, जब इसमें अंडे पकाएंगे तो इसका मीठी, हाँ ओरिजिनल जायका होगा, मीठे अंडे होंगे। तो ये बनू वाले बाद में इस तरह करते हैं कि ये घी उससे निकाल के, और इसकी इसमें ये 6 किलो दूध से इतना सा हलवा बनता है। हाँ ये इतने ज्यादा, इसका एक चीज भी जाया नहीं होता, घी भी दोबारा यूज हो सकता है। अच्छा घी भी दोबारा यूज हो सकता है, और क्या क्या दोबारा यूज हो सकता है? बस हम ये खाने के बाद हमारा सब कुछ ही। हाँ बादाम बगैर सलमान भाई, हाँ बादाम बादाम ये थी, ये बादाम बादाम नजर आ रहे हैं, हम पता नहीं ये किसके किस्मत में होगा। नहीं भाई आप क्या कह रहे हैं कि आप ये क्या इस हलवा की, हलवा को देख के आपका दिल क्या कह रहे हैं? अच्छा लेकिन मैं क्यों, आप क्यों फूले? आप लगता है आज आपने लगता है आपने आज किसी से बहुत गपशप लगाई है, इसलिए हाँ ना 20-30 मिनट आपने गपशप लगाई है, मुझे तो खबर मिली है। आज नहीं लगाई, तो ये देखें अब ये हलवा पक गए हैं और बस अब पक खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। घी इससे वापस निकालेंगे, घी सेंटर में जमा होगा, ये देसी घी है, प्योर देसी घी। हाँ 6 किलो दूध से निकला हुआ। अच्छा 6 किलो दूध से निकला है, अच्छा ठीक है, चलिए अब हम इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। दैट इज फैंटास्टिक। और ये देखिए चाय भी पक गई है, चाय भी एक किलो दूध में पकाई है। मेन्यू हम किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन है रहे हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं। खाने के लिए तैयार और हम खाना शुरू कर रहे हैं, चलिए एंजॉय करते हैं। इसको खाने के लिए आपको केसर साहब की दुकान पे आना पड़ेगा जहाँ पे पकता है। हाँ सफा दे, मजा आ गया यार। पते पके कमी देखो दही मोड़ा पेरी इसका जो ये पकाने का तरीका और इसका जो ये इसको बर्तन होता है ना, इसका अपना बर्तन होता है। हाँ इसमें और कोई चीज़ नहीं पका सकता बिना हलवा के, और कोई चीज़ नहीं पकाओगे। अच्छा फिर मजा आएगा, देखो चाय भी तैयार हो गई है, माहौल सजा हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल मिल्की और सॉफ्ट हुई, दिल को बंद करने वाला नहीं, दिल को बंद करने वाला नहीं, हैवी हैवी खुराक है, हैवी हलवा है, मजा आएगा। बिल्कुल प्योर आज हलवा, आज इस हलवे ने मजा कर लिया, मजा कर लिया। हमें बनू की याद आ गई है, आपको बनू मिली मिलेगी, हलवा खत्म हो गया है और अब हम ये सारे जो है ना खूब एंजॉय किया और अब हम जा रहे हैं वापस। माजिद लेट हो रहे हैं, हमारी हालत खराब है, आज बातें नहीं की, आज बात ही नहीं की, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। तो अब आज का ये प्रोग्राम हम एंड करते हैं और हमने खूब एंजॉय किया, हमारे इस भाई ने गोल्ड मेडल भी जीता है ओलंपिक्स में, तो ये ट्रीट इस ये ट्रीट इसकी तरफ से था। और तकरीबन 8-9 कप चाय हमने पी है, हमने भी हाँ, और एक एक दूसरे भाई ये केसर भाई ने भी गोल्ड मेडल जीता। तो अब हम जा रहे हैं, काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।